कोरिया जिले के खरवत गांव में स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां जिले के कई स्कूलों से आए बच्चों ने हस्तशिल्प के जरिए विज्ञान मॉडल बनाकर उनका प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक भैयालाल राजवाड़े के अलावा कलेक्टर चंदन त्रिपाठी सहित प्रशासनिक अधिकारी और स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बनाए गए मॉडल मौजूद लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। सोनहत के कस्तूरबा गांधी विद्यालय द्वारा कबाड़ से बनाया गया जुगाड़ मॉडल लोगों को आकर्षित कर रहा था। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को बाल वैज्ञानिक नाम दिया और बताया कि इस कार्यक्रम में कुल 150 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। साथियों में पढ़ती हूँ, मेरा स्कूल का नाम कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सोनहत है। ये इसके और भी लाभ है, जैसे कि हम इन अलग अलग डिब्बों में अलग अलग तरह की खाद और दवाइयाँ डालेंगे, तो जब वर्षा का पानी आएगा तो इसमें धीरे धीरे से जो हम यहाँ छेद किए हैं ढक्कन में, तो एक बूंद करके जड़ों तक जाएगा और जड़ों को मजबूत बनाएगा, इससे पौधों की वृद्धि होगी और जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो हम इस यंत्र का दूसरे पौधों पर भी प्रयोग किया जा सकता है। राजवाड़े है, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सोनहत से हूँ। मैं कबाड़ से जुगाड़ बनाई हूँ, तो ये जो हम बहुत लोग पानी का बोतल उपयोग करके रोड के किनारे फेंक दिए रहते हैं कहीं पर, तो हम उसे उठा करके ये बनाए हैं पौधे की सुरक्षा के लिए। पौधे की सुरक्षा के साथ साथ ये सिंचाई में भी सहायक है, और इसमें यदि हम पानी डालेंगे तो ये धीरे धीरे आकर के जो हम ढक्कन में यूज किए हैं छेद किए हैं वो पौधे के पास जा करके उसे पानी देगी, और बहुत लोग सर पानी से पानी हाथ से या फिर कुछ सच से डालते हैं तो वो उससे मिट्टी की कटाई होती है, तो हम यदि इस यंत्र से यदि धीरे धीरे पानी की सिंचाई करेंगे तो इससे मिट्टी की कट नहीं होगी। सही सेवा के अंतर्गत जो है वेस्ट मटेरियल से हमारे बच्चों ने बाल वैज्ञानिकों ने वेस्ट मटेरियल से विज्ञान प्रदर्शनी का आविष्कारों का जो मॉडल बनाया है और जो प्रैक्टिकल करके सामने दिखा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। करीब 150 से अधिक बच्चों ने इसमें सहभागिता ली है और अपने मॉडल को हमको प्रदर्शित करके दिखाया है। जी, कई ऐसे प्रयोग थे जो बिना माचिस के या किसी इक्विपमेंट के सिर्फ केमिकल से अग्नि का, कई जादुई प्रयोग थे विज्ञान के, कुछ बैलेंस के फिजिक्स के प्रयोग थे जिन्हें हमें जिसने सबको लुभाया है और बच्चों के लिए वैज्ञानिक सोच प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करने के लिए लाभकारी रहेगा। ये मॉडल वाटर प्यूरिफिकेशन, इसमें हम दो स्टेप लिए हैं, रेन वाटर और वाटर प्यूरिफिकेशन, मतलब जल का शुद्धिकरण और वर्षा का शुद्धिकरण, कि कैसे हम इसको बचाव कर सकते, कैसे इसको उपयोगिता में ला सकते हैं, तो हम इसको घरेलू उपयोग में भी ला सकते हैं और वाटर प्यूरिफिकेशन को भी हम मतलब जैसे बाड़ी वगैरह में ला सकते हैं। हम लोग कक्षा 8वीं के हैं, हम लोग सीजी सोनहत से आए हुए हैं और हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है वो टॉपिक है स्वच्छता से रिलेटेड है ये, और हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया भी है, अपने सोनहत एरिया को लोकेट किया है। तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, सिरिंज वगैरह निकलते हैं, तो वो सब जो भी वेस्ट निकलते हैं उसको प्रॉपर उसको डस्टबिन में फेंके, और जैसे कि हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी से दो टाइप के वेस्ट निकलते हैं, ज्यादातर तो होता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो हमारे नेचर में आसानी से घुल जाता है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है हमारे एनवायरमेंट में। और जो स्कूल से रिलेटेड है तो स्कूल से टीचर्स लोग को बच्चों को बताना चाहिए कि अपने एरिया को कैसे हम लोग साफ सुथरा रख सकते हैं, और मार्केट एरिया से जैसे कि निकलता है बहुत सारा कचरा निकलता है तो उसको हम लोग को जैसे निकलता है सब्जी वब्जी निकल जाता है तो उसे हम लोग को खाद वाद ऑर्गेनिक खाद बनाने में उसको यूज करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए।